हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको थर्माकोल से एक नई चीज बताने जा रही हूँ, जिससे हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं थर्माकोल। और ये हमारे पास आइसक्रीम स्टिक है, ठीक है। और इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है वो मैं आपको बता दें। देखिए, हमारे पास छोटे वाले फ्लावर हैं, ये छोटे वाले फ्लावर हैं, और ये छोटे वाले शीशा है जो कि हम इन फ्लावर के ऊपर लगाएंगे, और एक फेविकोल, ठीक है। और हमको इन चीजों की जरूरत है, और ये रेड कलर का कपड़ा जिसे हम उस शेप के ऊपर लगाएंगे, और ये बहुत ही सुंदर चीज बन के आएगी। और जो हमने थर्माकोल, वैसे हम कोई नई चीज खरीदते हैं फ्रीज वगैरह तो उसमें ये निकलता है, तो आप सोचते होंगे कि हमारा क्या काम का, हम आप फेंक देते होंगे, लेकिन ये सारे सामान यूज में आ जाते हैं। और अगर आपको ऐसा ना मिले तो आप इसे मार्केट से भी खरीद सकती हैं, 20 रुपए का मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको पहले जो इस पे हम इसमें से हमें चार दिल काटने हैं, ठीक है। शेप बना के बिल्कुल एक बड़ा, एक छोटा, एक उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से मुझे इतने थर्माकोल में से चार दिल काट के अभी मैं आपको इसकी शेप बताती हूँ किस प्रकार से हम ये दिल काटेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने पेपर के ऊपर ये हट कट कर लिए हैं, तीन हमें तीन चाहिए। अगर आप एक और लगाना चाहती हैं तो वो भी हम आपको बाद में बताएंगे लगा सकते हैं कि नहीं, फिलहाल हमने तीन कट किए हैं, ठीक है। अब इसी शेप से हमें इसके ऊपर ये ऐसे रख, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना है हमें, जैसे हमने ये कट किए हैं पेपर के ऊपर। अब ये देखिए, हमें ये ऐसे बिछाने हैं और अपना किसी प्रकार से हमें निकाल लेंगे, जिससे कि ये थर्माकोल ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलना है हमें। हम ऐसे चौक से इसके ऊपर ऐसे निशान लगा लेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा, इससे ज्यादा शेप को बिल्कुल बराबर ही रखेंगे हम। जहां से हमारी ज्यादा हो गई वहां से हम थोड़ा कम कर लेंगे इसे, काटते टाइम कर लेंगे ये चीज हम। ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वहां से और हम शेप देंगे इसमें जैसी हट में रहती है। अब हम इसे ये ब्लेड लेंगे और इससे इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, ऐसे ये बहुत ही आहिस्ता से कट जाता है, बस आप अपने हाथ का ध्यान रखें वो ना कट नहीं पाए। ऐसे इस निशान के ऊपर चलना है हमको, ब्लेड को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे सीधा चलना होता है, जहां से हमारा ये थोड़ा वैसा हुआ है तो हम बाद में सही कर देंगे। अभी देखिए, ऐसे निकालना है हमें ये। अब हमने इसकी कटिंग तो कर ली है, अब हमें इस प्रकार से निकाल के ये, और फिर ये हमें सेट करना है प्लेट से ही। ये हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे इसमें से, ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पहले तो ये शेप बनानी है इसकी, ये वाली। यहाँ से ऐसे थर्माकोल ऐसे निकाल देंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसमें से, और जहां से हमारी ये कटिंग खराब हुई है वहां से ऐसे अच्छे से शेप लानी है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है,
वे देखिए जहां से इसकी शेप खराब है वहां से हम इसे ब्लेड से ऐसे कर देंगे सेट। तरीके से इसी प्रकार से मैं अपने ये दो दिल भी ऐसे ही कट कर लूंगी जैसे हमने ये कट किए हैं। अब ये देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये थर्माकोल ज्यादा बचे तो हम ये चौथा दिल हट कट कर सकते हैं, तो हमने ये चौथा भी कट कर लिया है। देखिए हमें इस शेप में कट करने होते हैं कि एक बड़ा, फिर एक उससे छोटा, फिर एक इससे छोटा और फिर एक इससे छोटा, ठीक है। इस शेप में हमें कट करने होते हैं और उसके बाद ये हमारे कट हो गए। अब उसके बाद जो हमें स्टिक लगाएंगे इसके ऊपर, उसके लिए हमने आपको सामान बता रखा है हमें किस किस सामान की जरूरत होती है। और उसके लिए जैसे हमने थर्मो फेविकॉल लिया है और ये फेविकॉल हमें स्टिक के ऊपर ऐसे थोड़ा सा लगाना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद हमें ये फ्लावर इसके ऊपर ऐसे सेट करना है इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। फिर फ्लावर के ऊपर फेविकॉल रख के और तब हमें ये छोटा वाला सीसा ऐसे रखना है ऐसे, और ऐसे दबा देना है फिंगर से और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी जितनी भी इसमें स्टिक लगे उतनी ही हम स्टिक लेके और इसको पूरे को बना लेंगे पहले स्टिक से, ये फ्लावर और ये सीसा डाल के इसके अंदर ऐसे बना लेंगे पूरे को पहले हम, फिर उसके बाद हम इसमें सेट करेंगे। अभी हमें इसके ऊपर कपड़ा भी कट करना है जो कि हम इसके ऊपर लगाएंगे कपड़ा, अभी वो भी हमें कट करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हम वो कट करेंगे। अब ये देखिए मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया है इस हट के ऊपर लगाने के लिए और उस कपड़े को हमने नीचे रख लिया है, रेड कलर का कपड़ा ही लेना पड़ता है हमें। और इसी शेप में हम ये कपड़ा कट कर लेंगे, पहले हम यहाँ से कॉर्नर से कट करेंगे ऐसे, और ये हमें फेविकॉल से चिपकाना होगा। और ये जो हम ये थर्माकोल कट करते हैं उसमें हमें कैंची का यूज नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हम कैंची का यूज करेंगे तो हमारे जो इसमें से दाने से निकलते हैं इससे शेप खराब हो जाएगी, वो शेप नहीं बन के आएगी जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसकी ब्लेड से बहुत ही अच्छी शेप बन के आती है जैसे अभी हमने आपको बताया था। ऐसे हल्का हल्का एक्स्ट्रा कट करें कि हम हल्का सा ऐसे इसमें फोल्ड कर सकें, ठीक है। इतना कट करना है, यहाँ से हम ये शेप बाद में बना लेंगे ऐसे। ये जब हम इसे सेट करेंगे फेविकोल से तब इसकी शेप अच्छे से आ जाएगी। अभी देखिए अब हमने कपड़ा कट कर लिया, साथ जितने भी हमारे चार हट हैं हट शेप में हमने कट किए हैं, उसी शेप में हमें कपड़ा ऐसे कट करना होगा। और जैसे आप पे मान लो ये शेप नहीं बन गया है तो आप ऐसे बिल्कुल इसके बराबर में रख के ऐसे एक लंबा सा कट लगा लें ऐसे जैसे हमने लगाया है, ठीक है। और उसको हमें ऐसे फेविकॉल से ऐसे चिपका देना है इस प्रकार से। अब मैं आपको इसे बताऊंगी कि हमें कैसे ही इससे हमें ये सेट करना है। ये देखिए फेविकॉल को हमें यहाँ लगाना है नीचे की साइड में, ठीक है। और नीचे की साइड में लगाते हुए ऐसे कपड़े को इसी के साथ साथ हमें सेट करते हुए जाना है ऐसे। जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे हम बाद में अंदर की तरफ को सेट कर देंगे, और इसमें ये बल्स वगैरह नहीं आने चाहिए। देखिए आप ऐसे खड़ा भी कर सकती हैं इसको और तब ये चीज कर सकती हैं ऐसे, फेविकोल को इसके किनारे के ऊपर लगाना है और तब ऐसे ऐसे हल्के हाथ से ऐसे पूरे कपड़े को सेट करना है हमें इसी प्रकार से, ठीक है। अभी देखिए मैंने इनके ऊपर जितने भी हमारे हट शेप में कटे हुए हैं चार दिल, इनके ऊपर मैंने पूरे में कपड़ा सेट कर लिया है। और जो यहाँ से हमारा ये थर्माकोल दिख रहा है दिखेगा नहीं, जब इनके ऊपर स्टिक आएंगी तो ये सारे ढक जाएंगे। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें अपनी स्टिक लगानी है। स्टिक को हमें इस प्रकार से लगाना है कि पहले हम खाली इस शेप पे ही लगाएंगे, उसके बाद हमें दूसरा वाला दिल सेट करना है इसके ऊपर स्टिक को ढकते हुए। तो ये देखिए हमें इस प्रकार से लगानी है,
ये हम ऐसे पहले फेविकॉल लगाएंगे ऐसे, और फिर और यहां से हमें हल्की सी कम शेप देनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहां से कम यहां से ज्यादा, इस प्रकार से इसी की शेप देनी है हमें इसमें। स्टिक के ऊपर भी लगा सकती हैं आप ऐसे, यही शेप देनी है बिल्कुल जो हमारे इस दिल की है। यहाँ पे दो सेट कर दें, पहले अच्छे से हमें ये शेप बनानी है, फिर उसके बाद हमें राउंडली पूरे में गोल गोल चलना है। अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर ही पूरी स्टिक लगा के इसे तैयार कर लिया है। करना कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ऐसे शेप के हिसाब से हमें स्टिक लगानी होती है। इस साइड से ऐसे हल्का हल्का चल के पूरे में, यहाँ से थोड़ा गैप देना पड़ता है क्योंकि हमें ये बीच वाली शेप लानी होती है, नीचे वाली कॉर्नर वाली, और उसके बाद हमें दूसरा वाला दिल सेट करना होगा। इसके ऊपर हमें पहले ऐसे राउंड पूरे में हर्ट शेप में ही ऐसे फेविकॉल लगाना होगा ऐसे, जिससे कि हमारा ये सेट हो जाए अच्छे से। ऐसे ठीक है, अब उसके बाद हमें ये बिल्कुल अच्छे से रखना है इसी शेप में, इस कॉर्नर की शेप में। ऐसे ठीक है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हमारा बराबर होना चाहिए बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर स्टिक लगानी है। ये इसे थोड़ा हाथ से दबा लें जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। इसके ऊपर भी हमें ऐसे ही स्टिक लगानी है, जैसे कि देखिए ऐसे स्टिक को यहां से लगाना स्टार्ट करना है हमें यहां से, और इसमें थोड़ा दिखाना है हमें स्टिक को, ठीक है, ताकि हमारी ये ढक जाए नीचे वाली ऐसे, इतना इतना दिखाना है हमें ये ऐसे। ऐसे इसी शेप में चलना है हमें बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो कि आप नहीं कर सकते। ये देखिए, अगर आप इसमें गैप देना चाहती हैं वो भी दे सकती हैं। इसी शेप में चलना होगा हमें। अब ये देखिए, ये मैंने दूसरा वाला भी सेट कर लिया, और उसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊं। जैसे कि हम ये शेप पे आते हैं तो मान लो हमें ये जो हमारी स्टिक है एक दूसरे के ऊपर चढ़ानी पड़े तो थोड़ी शेप शेप बिगड़ती है इससे, तो आप स्टिक को कट कर लें। देखिए हमने कट करके यहाँ पे ये शेप बना दी है, स्टिक को कट कर लें और तब उसके लिए जगह बना दें, क्योंकि जब हम एक दूसरे के ऊपर स्टिक चढ़ाते हैं तो चिपकती नहीं है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने ये फेविकॉल यूज किया है, वैसे फेविकॉल नहीं है ये, लेकिन ये ज्यादा महंगा नहीं मिलता, सिर्फ 5 रुपए की एक डिब्बी मिलती है ये। कहीं आप सोचे कि ज्यादा महंगा मिलता है, कहाँ पे मिलता है, तो बहुत इजीली मिल जाता है हर कहीं पे। अब उसके बाद इसके ऊपर भी मैंने फेविकॉल लगा लिया, इसको भी मुझे ऐसे ही रखना है। हमें ये सेंटर में लाना होता है इसका, ये देखिए जो ये शेप है, हमें ये शेप ऐसे, ये तीनों सेंटर हमें बराबर लाने होंगे, ठीक है, ऐसे इस हिसाब से, और हल्के हाथ से फेविकॉल हमने इस पे लगा लिया है पहले, ऐसे। और उसके बाद इसके ऊपर भी हमें ऐसे स्टिक लगानी है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने इसमें शेप दी है उसी हिसाब से, जैसे हमने आपको बताया स्टिक हमें काट के लगानी होती है, ये वाली स्टिक हमने काट काट के लगाई है यहाँ पे, और उसके बाद ये दूसरा वाला जो हमने एक और छोटा वाला हट कट किया था उसको हमें इसी शेप में लगाना है,
ये देखिए ऐसे, ये हमारी तीनों से बराबर होनी चाहिए। ये कॉर्नर है जो हमारे, इनका हिसाब आपको देखना है। जैसे ये नीचे वाला कॉर्नर, इसी हिसाब से हमने ऊपर वाला हट सेट किया था। इस कॉर्नर के हिसाब से हमने ये सेट सेट किया था। इसी कॉर्नर के कॉर्नर के हिसाब से हमें ये सेट करना है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। और हाथ से इसे ऐसे दबाना है ताकि ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए ऐसे। अभी देखिए मैंने इसके ऊपर ये भी सेट कर लिया उसी हिसाब से। और उसके बाद इस पे हमें स्टिक नहीं लगानी, अगर आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, लेकिन इस पे हम ये फ्लावर लगाएंगे और उनके ऊपर ये शीशा चिपकाएंगे ऐसे हल्का हल्का गैप देते हुए, ताकि ये पत्ती पूरी चिपक जाए हमारी फूल है जो ऐसे। और उसके बाद यहाँ से ऐसे सेप वही देनी है हमें जो हमारी है इसमें हाथ की, ऐसे पूरे में रखनी है हमें ये। और फिर उसके बाद इसमें से और थोड़ी देर हमें धूप में सुखाना होगा ताकि ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अभी देखिए पहले हमने इसमें फेविकोल डाल दिया है पूरे में, अब उसके बाद हमें मिरर लगाने हैं इसके भीतर ऐसे, थोड़ा दबाना है फिंगर से इसको ताकि अच्छे से सेट हो जाए ऐसे। आप इसे फ्रेम भी करवा सकती हैं तब ये बहुत सुंदर लगेगा, फिर इसे कहीं पे भी सेट कर सकती हैं। फ्रेम होते हैं ये, फ्रेम करा के आप इन्हें कहीं पे भी रख के और इसे अच्छे से सेट कर सकती हैं दीवार पे या कहीं पे भी। ये बहुत सुंदर लगते हैं बनने के बाद, और इसमें ज़्यादा वो भी नहीं लगता, खर्चा भी नहीं है कि इसमें आप कर नहीं सकते। अभी देखिए अब मेरा ये तिल आपके सामने बन के तैयार है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसी शेप में हमें स्टिक रखनी होती है और कुछ भी नहीं है इसमें, जो कि आप नहीं कर सकते। आप ट्राई जरूर करें इसे करने का, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है। और ये देखिए बस इसमें चार हट काटने होते हैं और उसी शेप में रेड कलर का कपड़ा लगा के इसके ऊपर और इन्हें सेट करना होता है। और उसके बाद आप इसे शीशे में फ्रेम करा लें तो ये बहुत ही एकदम सेफ रहेगा, उसमें आपको ज्यादा ये नहीं है कि, वैसे ही आप ऐसे भी रखोगी तो भी ये सेफ रहेगा, लेकिन शीशे में फ्रेम करा लें तो ये सबसे अच्छा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।